अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसका टैब खोला हुआ है। ये टैब आप यहाँ से फिल करेंगे और सबसे पहले इस पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप सबमिट करवा देंगे। याद रखिए कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मिस्टेक अगर हो गई तो आप इसे एक दफ़ा सेव करने के बाद दोबारा एडिट नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे आपने ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। ख़ास तौर पर इसमें जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो आपका ईमेल है और फ़ोन नंबर है। उसके बाद आपकी एजुकेशन डिटेल्स आ जाती हैं। एजुकेशन डिटेल्स का टैब यहाँ पे आप वन बाई वन अपनी हर डिग्री, जैसे मैट्रिक है, आपका इंटरमीडिएट है और आपका बैचलर्स है, वो इसमें वन बाई वन ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी मैट्रिक की डिग्री इतनी ऐड की है। उसके बाद एफएससी की डिग्री ऐड कर रहा हूँ। यहाँ से आप सेव एंड प्रोसीड, यहाँ पे एक दफ़ा जब आपकी सारी डिग्री ऐड हो जाती है दोबारा वो सेव एंड प्रोसीड से आगे नहीं जाएगा, बल्कि आपको अब आप जो डिग्री है उनके नीचे जो एक बटन दिया हुआ है प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप, वहाँ से प्रोसीड होगा। ये नीचे आप देखें आपकी डिग्री के नीचे ये प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो एक ऑप्शन देगा कि आपने जो आपके डिग्री है वो आपने सही तरह इंफॉर्मेशन दी है, आप इसे यहाँ से ओके करेंगे। अब आगे जो टैब आ जाता है वो आ जाता है एक्सपीरियंस का। तो यहाँ पे अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप वन बाई वन ऐड करेंगे। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे इस स्टेप को स्किप कर दें। यहाँ पे स्किप कर यहाँ से स्किप के लिए क्लिक कर दिया तो वो फिर कंफर्मेशन करेगा कि वो ठीक है, तो आप इसे ओके करते हैं। इसके बाद आपके पास वो आपकी पब्लिकेशन का रिकॉर्ड मांगता है। अगर आपने आप कोई पेपर पब्लिश हुआ हुआ है किसी एससीसी के रिकॉग्नाइज जर्नल में तो आप उसे करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया तो वो फिर उसे कंफर्मेशन करेगा और आप इसे ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पे वो फिर आपको वो शो करेगा कि आपके एक्सपीरियंस और कितनी पब्लिकेशन है, उसके बाद प्रोसीडर नेक्स्ट है वो कंफर्मेशन करेगा आपकी डिटेल की और आप इसे ओके करेंगे। इसके बाद अब आप अभी आपके पास ये जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस को एडिट करने का अभी भी आपके पास चॉइस मौजूद है, लेकिन अगर आप इसे यहाँ पे फाइनल सबमिशन करते हैं तो इसके बाद इसकी एडिटिंग नहीं हो सकेगी। तो आप पहले अपनी सारी इंफॉर्मेशन चेक कर लें, ख़ास तौर पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और दूसरी जो चीज़ें हैं वो लाजमी चेक कर लें, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे आपका रोल नंबर आएगा और आपने ईमेल का प्रिंट इंटी टेस्ट के लिए यूज़ करना है। तो ये दो चीज़ें ख़ास तौर पर आपने इसे ठीक रखनी है। यहाँ पे फिर अपनी एजुकेशनल डिटेल को चेक कर लें और यहाँ पे एक्सपीरियंस को भी चेक कर लें और यहाँ से फिर दोबारा अप्लाई पे जाके फाइनल सबमिशन, जब आप यहाँ पे फाइनल सबमिशन करेंगे तो आपके पास पूरी आपकी जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप इस प्रोफाइल को आप देखेंगे, इसमें अगर कोई मिस्टेक है तो आप यहीं पर यहीं से इसको बैक करके दोबारा उसे जाके आपकी जो डिटेल है वो ठीक करेंगे। और उसके बाद अगर वो ठीक है तो आप अब नीचे आएंगे और ये यहाँ पे आप ये सारी जो अंडरटेकिंग आई अंडरस्टैंड वगैरह ये पढ़ लें एक दफ़ा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ये बॉक्स को चेक करेंगे और उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद आपके पास ये टैब आ जाएगा। अब आपके आप पास ऑप्शन मौजूद है कि अपनी प्रोफाइल को व्यू कर सकते हैं और ये नीचे आप देखें यहाँ पे वो मार्क डिग्री लेवल मांग रहा है कि आपने कौन सी डिग्री में अप्लाई करना है, पीएचडी में करना है या एमफिल में करना है। उसके बाद आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये सारे डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। जस्ट आप कॉल करेंगे हम जनरल स्टडीज में अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से जनरल स्टडीज सेलेक्ट किया। उसके बाद
एमफिल जेंडर स्टडी अमेरिका में मैं अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे वो उसकी रिक्वायरमेंट बताएगा और आप उसको चराम के लिए वो कर लेंगे, उसको सबमिट करवा देंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट चलान के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये चलान ओपन हो रहा है। ये जो चलान है पंजाब यूनिवर्सिटी का, ये 500 रुपये का चलान है, ये बेसिक 500 रुपये का चलान है, और ये आप HPL या यूनाइटेड बैंक किसी भी बैंक पे आप सबमिट करवा सकते हैं। ये आप दोबारा देखें चलान है, ये और उसके बाद यहाँ पे जनरेट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से वो कंफर्म करेगा कि आपने फीस सबमिट करवा दी है तो उसे जी याद रखेंगे चालान सबमिट करवा के इसलिए एप्लीकेशन जनरेट किया। यहाँ से आप वो HPL का नाम लिखेंगे, HPL अगर आप एक रही वाला डिटेल लिखेंगे, यहाँ पे ब्रांच कोड नेम, ब्रांच का नेम और कोड लिखेंगे, यहाँ पर मैं सिर्फ ब्रांच को नहीं लिखता हूँ। यहाँ पे जो डिपॉजिट की डेट है, जिस डेट को आपने फी डिपॉजिट करवाई है वो लिखेंगे, ये मैंने डेट लिखी, इसके बाद आप इसको फाइनल सबमिट, अब फाइनल आप इसको सबमिट करवा देंगे, ये एप्लीकेशन आपकी अब सबमिट हो गई है, अप्लाई हो गया है आपका डिपार्टमेंट। उसके बाद अब ये जो एप्लीकेशन उसका प्रिंट करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी पूरी एप्लीकेशन जो है वो शो हो जाएगी। उसके बाद आप ये नीचे जाना है, आप नीचे देखेंगे यहाँ पर डिक्लेरेशन और नीचे का साइन है, यहाँ पे आपके वाले साहब के भी साइन होंगे और फिर उसके बाद से आपके सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे डेट है, इसके बाद यहाँ पे चेकलिस्ट के लिए आप ये जो डॉक्यूमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो चेकलिस्ट में भी करते जाएंगे, एप्लीकेशन को स्टार्ट हो जाएंगे लेकिन लोग इसमें आप आपके सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेंगे, यूनिवर्सिटी का एनुअल लगेगा, अगर आपने आपकी लास्ट जो डिग्री है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री है, और दूसरे जो आपके आईडी कार्ड और आपके वाले साहब का जो आईडी कार्ड होगा उसकी कॉपी लगेगी, और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसके साथ अटैच करने के बाद आप इसको टिक कर देंगे, और उसके बाद आप देखें तो हम देखते हैं यहाँ पे उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है पोस्टल एड्रेस पर एडमिशन फॉर्म, इस एड्रेस पे आपने इसको फॉर्म को पोस्ट करवा देना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।